हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण शर्मा और आज आपको BHIM ऐप का इंस्टॉलेशन और कैश ट्रांजैक्शन का लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। अपना एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए। 1.90 MB की ये फाइल डाउनलोड होने के बाद ओपन बटन यहाँ लिखा हुआ आएगा जो आपको ओपन करना है। उसके बाद आपका BHIM ऐप का इंटरफेस दिखाई देगा, नेक्स्ट। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन, फिर हमें नेक्स्ट बटन दबाना है। उसके बाद SMS और फ़ोन के लिए वेरिफिकेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन दबाना है। आपका मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद आपको एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा जो री एंटर कराया जाएगा। यह आपका लॉगिन ऐप पासवर्ड होगा, यह आपको याद रखना है। और उसके बाद आपसे अपनी लैंग्वेज चूज कराई जाएगी, इंग्लिश या हिंदी। और उसके बाद आपकी जो बैंक है वो यहाँ पर चूज करवाई जाएगी। अब मैं आपको अपने मोबाइल पर लाइव कैशलेस डेमो आपको यहाँ ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए। चूँकि मैंने अपना बैंक SBI सेलेक्ट किया था तो उसके लिए 6 डिजिट UPI कोड जो कि मेरा कॉन्फिडेंशियल पिन है, मैं यहाँ पर उसको चूज़ करूँगा। और वो सेट होने के बाद यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन आएंगे, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी और स्कैन एंड पे। तो मुझे अमाउंट सेंड करने के लिए सेंड मनी ऑप्शन जो यहाँ है उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है सेंड मनी, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो जो ही सेंड मनी पर क्लिक किया, यहाँ पर बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर या UPI एड्रेस जो आपके मोबाइल नंबर के बाद @UPI होगा वो यहाँ पर एंटर करना है। पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का यहाँ मोबाइल नंबर आपने एंटर किया, अगर वो उस इंटरफेस पे नहीं है तो इनवैलिड बता देगा, जैसे ये एक नंबर बताता है इनवैलिड, मैं कोई वैलिड नंबर डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का बटन आएगा, वेरीफाई का बटन दबाने पर बेनिफिशियरी का नाम और डिटेल यहाँ पर आ जाएगी कि कौन, और राइट टिक ग्रीन का लग जाएगा। उसके बाद जितना अमाउंट हम उसको भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे रिमार्क्स में आप किसी तरह के कमेंट्स डाल सकते हैं। और पे बटन पर क्लिक करेंगे, अपना 6 डिजिट UPI कोड उसी तरह डालना है, उसी तरह यूज करना है जिस तरह हम ATM पिन यूज करते हैं। यहाँ पर एंटर करने के बाद जैसे मैंने एंटर किया है, आप आगे की बढ़ेंगे, राइट टिक करेंगे। जो ही आप इसको राइट टिक करेंगे आपके पास मनी सेंट का मैसेज आ जाएगा। ये मनी सेंट का मैसेज आपके पास आ चुका है, इससे ये इंश्योर हो जाता है कि आप कि आपका जो अमाउंट है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है और बेनिफिशियरी के खाते पे जा चुका है। वहाँ पर भी एक मैसेज आ चुका होगा। आप मनी की रिक्वेस्ट, सॉरी, यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर आप माय ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं। अगर किसी तरह का अमाउंट कोई पेंडिंग पड़ा हुआ है तो यहाँ पर पेंडिंग बटन है साइड में, तो यहाँ पर पेंडिंग देख के आप देख सकते हैं कोई पेंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है। उसके बाद मनी की रिक्वेस्ट आप यहाँ जो सेकंड बटन है उससे कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर @UPI, तो यहाँ पर पर्टिकुलर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालना है, वापस वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद आप अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पर लिखना है, रिमार्क्स डालना है, रिमार्क्स डालिए। उसके बाद यहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ये रिक्वेस्ट उसके पास चली जाएगी, रिक्वेस्ट सेंड का ऑप्शन आएगा, इस तरह का मैसेज, तो वहाँ पर भी इंटीमेशन हो जाएगा बेनिफिशियरी को। उसके अलावा स्कैन एंड पे द थर्ड जो नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर वो है QR कोड के द्वारा हम अमाउंट भी पे कर सकते हैं। जैसे इस तरह का सामने किसी का QR कोड है तो बेनिफिशियरी का QR कोड आपके साथ शेयर भी हो सकता है, आप भी अपना QR कोड किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी अपने मोबाइल पे खुद का QR कोड निकालता हूँ, तो अपने प्रोफाइल पर जाएंगे हम, जिस तरह से मैं जा रहा हूँ, यहाँ प्रोफाइल पर जाके ये अपना QR कोड है, इस QR कोड को आप शेयर कीजिए और जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहते हैं इसे भेजिए सामने वाले पर्सन को, आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, थैंक यू।